क्या है लव स्कैम सेंटर, जहां बंधक बनाकर रखे गए सैकड़ों लोग, पुलिस ने जब छापा मारा तब लोगों को छुड़ाया गया। जी हां, जानकारी के लिए बता दें कि फिलीपींस में सैकड़ों लोगों को एक स्कैम सेंटर से बचाया गया है। इन लोगों को यहां लव स्कैम और क्रिप्टो धोखाधड़ी जैसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये लोग खुद को ऑनलाइन लवर के तौर पर पेश करते थे, लोगों को फंसाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि उन्होंने गुरुवार को केंद्र पर छापा मारा और 383 फिलिपिनो, 202 चीनी और 73 अन्य विदेशी नागरिकों को बचाया गया। पुलिस ने बताया कि ये सेंटर मनीला से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और एक ऑनलाइन ग्लैम्बिंग फर्म के रूप में काम कर रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण पूर्व एशिया स्कैम सेंटर्स का हब बनता जा रहा है, जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ितों को अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो धोखाधड़ी से लेकर तथा कथित लव स्कैम जैसे काम करने के लिए कहा जाता है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर लव स्कैम है क्या। लव स्कैम आमतौर पर घोटालेबाज द्वारा पीड़ित का प्रेम और विश्वास हासिल करने के लिए नकली पहचान अपनाने से शुरू होता है और फिर पीड़ित से छेड़छाड़ करने या चोरी करने जैसी हरकतों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने कहा कि मनीला के पास छापेमारी एक वियतनामी शख्स की सूचना के बाद हुई, जो पिछले महीने स्कैम सेंटर से भागने में कामयाब रहा था। कहा गया कि संगठित अपराध के खिलाफ राष्ट्रपति आयोग के प्रवक्ता विस्टिंग कैसियो बोले कि लगभग 30 साल का ये व्यक्ति इस साल जनवरी में फिलीपींस आया। बताया गया था कि शेफ की नौकरी की ऑफर दी जाएगी, लेकिन इस आदमी को जल्द ही एहसास हुआ कि वो सैकड़ों अन्य लोगों की तरह लव और क्रिप्टो करेंसी स्कैम चलाने वाले मानव तस्करों का शिकार हो गया है। कैसियो ने कहा कि स्कैम सेंटर चलाने वालों ने लोगों को लुभाने के लिए अच्छे दिखने वाले पुरुषों और महिलाओं को फंसा रखा है। 28 फरवरी को वियतनामी शख्स सेंटर से भागने में सफल रहा। वो एक दीवार पर चढ़ा, फिर उसने एक एक कर नदी पार कर ली और आखिर में खेत में जाकर शरण ली। इसके बाद खेत मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सेंटर से 3 बंदूकें, 1.9 मिलीमीटर की पिस्तौल और 38 कैलिबर रिवॉल्वर के साथ 42 राउंड जीवित गोला बारूद जब्त किए। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक नेटवर्क का शिकार बन चुके कई लोगों ने बताया कि नौकरी के विज्ञापनों और भत्तों के वादों के झांसे में आकर उन्होंने कंबोडिया और म्यांमार जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की। इन लोगों को आते ही उन्होंने फंसा दिया। फिलहाल एक युवक की वजह से लव स्कैम सेंटर का भंडाफोड़ हुआ, जहां बंधक बनाकर रखे गए सैकड़ों लोगों को पुलिस ने छुड़ा लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।